Yes, yesterday we have discussed when there were more than two accounts involved. Like either two accounts were simultaneously debited or one account was credited or reverse was there, either some or more than two accounts were simultaneously credited and one account is being debited. So we did follow up, we did back exercise question related to that. Let's see what is the next topic under this chapter. Rectification of errors. Yes, 15th chapter we are doing. Errors in three accounts we have done with. Now, he made a topic, rectification of errors in two accounts with different amounts. Yes. अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शंस करी है वहां पे अमाउंट की गलती नहीं हुआ करती थी. अकाउंट डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया या अकाउंट का नाम चेंज कर दिया. नाउ ही इज टेकिंग सर्टेन एग्जांपल्स वेयर बाय देयर विल बी द मिस्टेक ऑफ अमाउंट. राइट, सो सिक्स्थ इलस्ट्रेशन इज he just made the ledger account. I will not be picking that ledger accounts. I will just be passing the rectified entries. Because आपके सिलेबस में ledger account का इफेक्ट नहीं आना, simply आना है pass the rectified entries. So we will be solving that question with the help of journal entries, right? So यह हमारा practice question भी हो जाएगा. Let's see illustration number 7. And on my book, in my book, it's on page number 15.19. This is example number 7. So we will be following our pattern. This is for right. This is for wrong, and then a huge format we have to make for our journal, whereby we used to write particulars, ledger value, debit amount, and credit amount. So this portion is meant for rectified entries. Again and again, I am repeating, right and wrong you will be passing for your own purpose. Examiner is going to check this only, and hereby you are supposed to write narration as well. चलिए जी देखते हैं. मूर्ति को सामान बेचा. पहले तो जब मूर्ति को सामान बेचा है तो एंट्री होनी चाहिए थी. एवरीबॉडी विल पे अटेंशन हियर. द राइट एंट्री शुड बी सी द बोर्ड मूर्ति टू सेल्स एंड यू नो अमाउंट ही इज गिविंग मी इन द क्वेश्चन दैट इज 260. अब देखना नाम की भी गलती है अमाउंट की भी गलती है. हमने इसे क्या माना हैज बीन क्रेडिटेड टू पूर्ति. हमने पूर्ति को क्रेडिट कर दिया मूर्ति की जगह हमने पूर्ति को क्रेडिट कर दिया. जबकि जब किसी को सेल करते हैं तो पर्सन शुड बी डेबिटेड. आपने गलत नाम किया और उसे गलत क्रेडिट भी किया. अब सेल के बारे में कुछ नहीं कहा. इट मींस कि सेल ऑब्वियसली क्रेडिट ही हुई होगी. गलती क्या हुई है आपने डेबिट कुछ भी नहीं किया. आपने पूर्ति को गलती से क्रेडिट कर दिया मूर्ति को जबकि डेबिट करना था. एंड यू नो मूर्ति की जगह पूर्ति को जब क्रेडिट किया है तो अमाउंट भी गलत. Sale I am assuming and we are supposed to assume कि that is correct. तो sale credit होनी थी वो ठीक ही हुई है. अब हमने rectification कैसे करनी है students? नाम भी गलत है amount भी गलत है. मूर्ति should be debited, I will be debiting. पूर्ति गलती से क्या हो गई है credit उसे क्या करेंगे debit. मूर्ति should be debited with 260 करेंगे. पूर्ति गलती से क्या हो गई है क्रेडिट हो गई है उसे डेबिट करके ठीक करेंगे. अब हमें नहीं पता अगला अकाउंट कौन सा होगा. सो वी विल बी ओपनिंग हियर सस्पेंस अकाउंट. सो दिस इज अ राइट टाइम टू टेल यू अबाउट सस्पेंस अकाउंट. व्हेन यू आर नॉट श्योर दैट व्हिच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड. क्यों? क्योंकि गलती सिर्फ एक अकाउंट में हुई. सेकेंड अकाउंट सेल इज करेक्ट. सो इन दैट केस वी ओपन सस्पेंस अकाउंट बिकॉज वी आर डाउटफुल विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड हेयर. क्योंकि मेरे को एंट्री तो कंप्लीट करनी है ना. अभी मैंने बोला सेल इज करेक्ट. उसने आगे जाके सस्पेंस अकाउंट हमें सिखाना है. यहाँ पे वो हमें लेजर अकाउंट में पोस्टिंग सिखा रहा है. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. वी विल बी पासिंग टू एंट्री लाइक दिस पे टू सस्पेंस. इन ईच एंड एवरी एंट्री आई थिंक ही विल बी ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट बट हियर बाय ही इज नॉट टेलिंग मी अबाउट सस्पेंस. सो व्हाट विल बी द टोटल 80. गुड्स सोल्ड टू यस पूर्ति ऑफ रुपीज 260. रॉन्ग अमाउंट इज क्रेडिटेड टू पूर्तिज अकाउंट. Now rectified. ठीक है चाहे अमाउंट नहीं लिखो नरेशन में. गुड्स सोल्ड टू मूर्ति रॉन्गली क्रेडिटेड टू पूर्तिज अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट. नाउ रेक्टिफाइड. डन. आगे चलते हैं. सी द सेकंड वन. सो अ न्यू थिंग वी आर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ दिस इलस्ट्रेशन दैट हियर बाय मिस्टेक इज ओनली इन वन अकाउंट दैट इज ऑफ मूर्ति. को डेबिट किया ही नहीं तो अब कर देते हैं. गलती से पूर्ति को क्रेडिट कर दिया. नाम की गलती हुई. सेल इज करेक्ट.
So in order to complete the entry, we have to open one account, and you know, suspense account is a temporarily opened account to complete the entry. Right? आगे जाके डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. He has made a separate topic in this chapter. आगे चलते हैं, turn the page. Second transaction is on next page. Himanshu, what happened? Where is Himanshu? Yes. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. It's good afternoon. हाँ जी बोलिए बेटे. डॉक्टर चलो मैम, मैं आपने मैम पूर्ति वाली साइड में मैम आपने 620 को लिखा आपने, जबकि रॉन्ग अमाउंट गलत लिखी है. अमाउंट गलत लिखी है, देखो देखो उसने लिखा है, पढ़ो ट्रांजैक्शन. अ सेल ऑफ गुड्स 260 टू मूर्ति हैज बीन क्रेडिटेड टू पूर्ति 620, क्वेश्चन में लिखा. लाइन पढ़ ली हिमांशु आपने मैम? बट मैम फिर करेक्ट अमाउंट डालेंगे ना, जो 2 रुपीस 260 है. क्रेडिट अमाउंट क्यों डालेंगे? तो पूर्ति को क्रेडिट किया है, गलती से क्रेडिट किया. बच्चे पढ़ो लाइन दोबारा पढ़ो. सामान तो मूर्ति को बेचा था, मूर्ति का नाम आना चाहिए था, आपने मूर्ति की जगह पूर्ति लिख दिया, और वो भी गलत अमाउंट. इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई इट यू जस्ट क्रेडिटेड इट, जबकि पूर्ति क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी. पूर्ति नाम ही गलत है और अमाउंट भी गलत. दो तरह की गलती है इस क्वेश्चन में. वन इज नेम इज रॉन्ग, अनदर इज अमाउंट इज रॉन्ग. सो आई जनरेटेड माई करेक्ट नेम विद करेक्ट अमाउंट. जो आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था विद रॉन्ग अमाउंट, उसे सही करने के लिए भी मैंने डेबिट किया. थिंक ओवर इट एंड सेंड मी यस और नो. हैव यू गॉट इट? यस मैम. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. टर्न द पेज. टोटल ऑफ परचेसेस बुक वाज 16,000, वाज रॉन्गली कैरिड इन द सेल्स बुक विद 11,000. अगेन बुक गलत, अमाउंट भी गलत. दो तरह की गलती. वन इज रॉन्ग पोस्टिंग, नेम भी गलत. मैं वैसे बताती हूं आपको, हमारी परचेसेस बुक का टोटल इसमें ऐसे राइट रॉन्ग नहीं पास कर पाएंगे. ठीक है, परचेसेस आपने डेबिट करनी थी 16,000. आपने परचेसेस डेबिट नहीं करी, आपने सेल बुक में सेल्स क्रेडिट कर दी, दैट इज विद 11,000. अब क्योंकि बुक की बात है बेटे, ध्यान से देखना, यहाँ पे जब बुक की बात है तो पर्सनल अकाउंट भी इन्वॉल्व होता है. इट मींस कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? क्रेडिटर, दैट इज 16,000. जब आपने सेल्स बुक में इसे ट्रांसफर कर दिया, मींस आपने डेटर को क्या कर दिया डेबिट? 11,000. अब कैसे सही करें? दिस इज माई करेक्ट एंट्री, दिस इज माई रॉन्ग एंट्री, राइट? अब क्या करेंगे? परचेजेस शुड बी डेबिटेड. फोर इफेक्ट होंगे. परचेजेस आर टू बी डेबिटेड करेंगे With 16,000, creditor, मैंने intentionally यहाँ पे space छोड़ी है क्योंकि कुछ और भी debit होगा. Two creditors with 16,000 only. Sale आपने गलती से क्या कर दी है? Credit कर दी है, क्योंकि आपने इसे sales book में ले गए. Sales को debit करके सही करो, वो 11,000 से कर दिया. Debtor गलती से debit कर दिया है, उसे सही करने के लिए क्या करो? Credit, that is 11. So whenever he is talking about the book, personal accounts are also being involved and always to be involved. So यहाँ पे suspense account की मेरे को help लेनी ही नहीं पड़ी. You have to pass the entry in the purchases book. You did a mistake. आपने wrong amount, wrong account में या wrong book में डाल. So this is a way how I will be rectifying it. Any doubt to anyone? You may raise your hand. आगे चलते हैं. Building की construction में wages खर्च किए. और वेजेस की अमाउंट 650 थी. यस सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन. यस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट आर लाइक व्हेन यू स्पेंड वेजेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड, वेजेस शुड नॉट बी डेबिटेड. कॉस्ट में ऐड होता है. दिस इज व्हाट बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड द अमाउंट वाज 650. आपने गलती से वेजेस डेबिट कर दिया और वो भी 150 से. टू कैश, आई एम अज्यूमिंग टू कैश 650 से ही हुआ होगा. मींस ये ठीक है. सेकेंड अकाउंट, जिस अकाउंट में गलती हुई है उसके बारे में वो खुद बता रहा है. एंड सेकेंड अकाउंट जिसके बारे में वो खुद कुछ नहीं कहता, आई ऑलवेज अज्यूम दैट द अदर अकाउंट इज करेक्ट. एंड दिस यू विल लर्न विद प्रैक्टिस ओनली स्टूडेंट्स. आप ज्यादा से ज्यादा बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू विल गेट हाउ द थिंग्स आर टू बी हैंडल्ड. और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके आंसर नहीं है. This only you will come to know when I will be giving you homework and we will be discussing the entries in the class.
राइट आज मैं तीन चार क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी दैट यू विल सॉल्व ऑन योर ओन देन आई विल डिस्कस इट विद यू एंड विद दैट यू विल चेक योर सॉल्यूशन कि आपने ठीक किया है कि नहीं नो व्हाट टू डू बिल्डिंग इज टू बी डेबिटेड कर लेंगे वेजेस गलती से क्या हो गया डेबिट ही किया ना वेजेस हाँ दिस इज बिल्डिंग इज टू बी डेबिटेड विद 650 यहां तक विजिबल है देखो बिल्डिंग इज टू बी डेबिटेड विद 650 कर दिया वेजेस गलती से डेबिट हो गए हैं उसे क्या करेंगे क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे टू वेजेस आप स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंट्री कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज बिल्डिंग इज बीइंग डेबिटेड विद 650 एंड वेजेस आर टू बी क्रेडिटेड विद 150 सो देयर इज अ गैप ऑन द क्रेडिट साइड विद 500 सो विद 500 आई विल बी ओपनिंग माय सस्पेंस इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी टाइम द सस्पेंस अकाउंट इज टू बी ओपन विद द फुल अमाउंट समटाइम्स अ सस्पेंस अकाउंट कैन इवन बी ओपन विद द डिफरेंस एंड दिस इज अ केस ऑफ opening of suspense account with a difference amount because in order to complete the rectified entry if you are doubtful you don't have any other account which is to be credited or debited then obviously you have to open a temporary account which we call suspense account any doubt till now anyone book mein solve nahi hai I am solving it for you kyunki ledger ki posting to isme chapter mein se aani nahi hai hum logon ko rectified entry se puchega so let's proceed to the next आगे देखिए गुड्स विदड्रॉन रुपीज 350 फॉर पर्सनल यूज पहले तो जब प्रोप्राइटर अपने लिए सामान लेके जाता है तो एंट्री आती है ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस आप पहले सही एंट्री तो करो राइट एंट्री शुड बी ड्रॉइंग से अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस एंड द अमाउंट ही इज गिविंग मी इन द क्वेश्चन दैट इज रुपीज 350 डन नो व्हाट वी डिड हमारी मिस्टेक कहां पे हुई were posted to journal expenses account as आपने drawings की जगह journal expenses को debit कर दिया with 305 and I assume purchases account ठीक हुआ होगा because जहां पे गलती हुई है अगर वो उसके बारे में बोल रहा है it means कि जो credit वाला account है वो सही purchases 350 से ही credit होनी चाहिए थी 350 से ही credit हुई है अब rectification कैसे करेंगे drawings should be debited debit करो With 350, journal expenses गलती से क्या हो गए हैं डेबिट उसे क्रेडिट करके सही करो टू जर्नल एक्सपेंसेस 305 सो अगेन यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट बिकॉज यू क्रेडिटेड विद 350 बट ऑन माय सॉरी यू डेबिटेड विद 350 बट ऑन माय क्रेडिट पार्ट only the 305 rupees are there so there is a difference of 45 rupees again you need to open suspense account in this case to suspense whenever you are doubtful whenever you see that your entry is not being completed you have to take the help of suspense account in this chapter that is rupees 45 done narration boliye being goods withdrawn for personal use wrongly debited to journal expenses account with wrong amount now rectified do tarah ki galti अकाउंट का नाम भी गलत अमाउंट भी गलत तो हमने सस्पेंस अकाउंट की हेल्प ली आगे चलिए जब पुराना एसेट बेचते हैं तो एसेट को क्रेडिट किया करते हैं उसने सेल को क्रेडिट कर दिया अगली ट्रांजेक्शन में और वो भी अमाउंट भी गलत निकली फिर से अकाउंट भी गलत अमाउंट भी गलत तो देखते हैं क्या होगा लेट्स सी रीड इट पुराना फर्नीचर बेचा और आपने उसे सेल मान लिया एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर एम आई राइट टू सेल ऑफ फर्नीचर या ओनली फर्नीचर भी राइट टू फर्नीचर दिस इज माय राइट एंट्री क्लियर एंड दैट वाज विद रुपीस 1400 ही सेज आपने सेल को क्रेडिट कर दिया गलती आपने टू सेल कर दिया 4400 से अगेन आई अस्यूम कैश 1400 से ही डेबिट हुआ होगा मींस सेल के लेजर में जब आप लेके गए तो आप 1400 की जगह 44 लिख दिया और वो भी गलत सेल की में जानी नहीं चाहिए थी एंट्री एंट्री जानी चाहिए थी फर्नीचर सो कैश इज करेक्ट अदर अकाउंट इज करेक्ट हाँ सेल गलती से क्रेडिट हो गया है उसे डेबिट करके सही करो सेल से अकाउंट इज डेबिटेड विद 4400 फर्नीचर को क्रेडिट ही करना था करो टू फर्नीचर बट अमाउंट इज एक्चुअल अमाउंट वॉज 1400 अगेन वॉट यू सी On debit part, we have debited the amount 4400. On credit part, we credited the amount 1400. So there is a difference of 3000. Am I right?
3000. Now I am doubtful. वो मैं कहाँ पे डालूँ? Whenever doubt comes to my mind, I take the help of suspense account. Two suspense with 3000. So I tell you in brief that whenever there is a mistake of amount as well as of account, हमें maximum cases में suspense account की help लेनी पड़े. Amount की भी गलती, account की भी गलती. Account का नाम भी गलत लिखा, amount भी गलत लिखी. So every time we took the help of suspense account. Again, old furniture sold, wrong amount credited to sales account, now rectify. जब कोई पुराना asset बेचते हैं तो भाई asset को credit करते हैं, ना कि गलती से क्रेडिट हो गई और वो भी गलत अमाउंट से, उसे सही करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया. कम टू द लास्ट एंट्री, देन वी विल टेक द फॉलो अप. पढ़िए जी. शेयर्स ऑफ रुपीज 3800, पहले आपने बताना. जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, व्हाट एंट्री वी पास, रेज योर हैंड और सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स. हरी अप, वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज. When we buy shares of any company, what entry we pass? Correct journal entry, boliye. Tell me the correct journal entry. Yes, one answer. Who is so quick? Shares account debited to bank, galat. Partly, theek hai. Exact nahi hai. Any other answer? It's not shares to bank. What else we can call it? Second reply. Bilkul theek hai. Investment account debited to bank, done. क्योंकि हम कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, कैश से आमतौर पे हम एंट्री नहीं करते. द राइट एंट्री इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर. साथ में ऐड करना है तो कर दो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ इज ओके. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यस दिस इज करेक्ट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. कितने के शेयर खरीदे भाई? 3800 की शेयर खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए था. आपने उसे परचेसेस में डाल दिया और परचेसेस अकाउंट डेबिट किया ना. अपनी इन्वेस्टमेंट की जगह परचेसेस को डेबिट कर दिया और वो भी 3800 की जगह. आपने अमाउंट भी गलत लिखी, अकाउंट भी गलत लिखा. सो व्हाट आई अस्यूम कि बैंक अकाउंट में ठीक लिखा होगा विद द सेम अमाउंट. इट मींस कि दिस इज तो करेक्ट. अब क्या करें? इन्वेस्टमेंट इज ओरिजिनली टू बी डेबिटेड करेंगे विद 3800. परचेसेस गलती से डेबिट हो गई है, उसे कैंसिल करके ठीक कर देंगे. टू परचेसेस Error of amount as well as account, we usually open suspense account to rectify the transaction. ठीक है? To suspense with 720. Being shares purchased wrongly debited purchases account with wrong amount, now rectified. Any doubt till now, please? Now I will be solving the follow up 7th with your participation, right? So let's proceed to follow up 7th on page number 15.21. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, यू मे रेज योर हैंड. यू कैन सेंड मी योर क्वेरी इन माय चैट बॉक्स. दिस इज फॉर राइट, दिस इज फॉलो अप 7th, दिस इज रॉन्ग एंड देन वी हैव रेक्टिफाइड. डन. So let's begin with. A purchase of goods from Rachna. बस मैं यही पे रुकती हूँ. जैसे मैंने रचना से सामान खरीदा, tell me the right entry in the chat box. Purchase goods from Rachna. Amount भी लिखो. कितनी amount? Yes. Goods purchased from Rachna. I am waiting your answers for your answers. Yes, let me check. Purchases to Rachna, बिल्कुल ठीक है जी. Purchases to Rachna with 630.
So my right entry is purchases to Rachna with 630 rupees. गलती कहां पे हुई? हमने इसे सुल्ताना में पोस्ट कर दिया, मीन्स हम लोगों ने सुल्ताना को क्रेडिट कर दिया, टू सुल्ताना कर दिया हमने विद 360. व्हाट आई अस्यूम परचेसेस ठीक ही डेबिट हुई, गलती सुल्ताना में हुई है, अकाउंट की भी गलती है, रचना की जगह सुल्ताना का नाम लिख दिया, अमाउंट भी गलत लिखा, परचेसेस इज ओके. क्या करें, सुल्ताना गलती से क्रेडिट हो गई है, सही करने के लिए इसे रिवर्स किया करते हैं हमेशा. So Sultana is going to be debited with 360. Rachna is originally to be credited. Karo phir. To Rachna. Now who will tell me where to put the difference and what will be your difference? This time credit part of the entry is more and the debit part is less. It means the difference is going to be debited. Like in which account you will be putting the difference? Who will tell? Send me the answers. Kitna difference hai aur kaun si account mein dalenge? रचना, इट्स रेहाना, मैंने रचना पढ़ लिया, रेहाना इज द नेम है ना, रेहाना इज टू बी डेबिटेड. नो, हु रोट दिस एंट्री? हिमांशु रॉन्ग है. टेल मी द राइट एंट्री. यस, व्हाट अदर पीपल आर डूइंग? ओनली वन चाइल्ड इज अटेंडिंग द क्लास अटेंटिवली. सो रचना की जगह रेहाना लिख लीजिए भाई. इट्स रेहाना. रेहाना इज टू बी क्रेडिटेड. What is the difference, students? Difference is of 270. So that I will be putting to suspense. Himanshu, theek karo aap apni entry. Kya entry hui? Sultana account debited with rupees 370. Suspense account is debited with 270. This is 360 and 270. And the grand total is 630. Who else answered? Sultana debited, suspense debited to Rehana. Suspense is to be debited with 270. Theek hai ji. हाँ, किंचल ने ठीक बोला. इट्स सुल्ताना 360, सस्पेंस 270, टू रेहाना 630. गुड. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. पढ़िए अगला. चलो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो गया है. व्हेनेवर देयर इज मिस्टेक ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट बोथ, देन वी ओपन सस्पेंस अकाउंट. आगे चलिए. इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी सिखाया होगा आपको. जब आप किसी मशीन की फिटिंग करवाते हो, उसके फिटिंग और इंस्टॉलेशन के चार्जेस मशीन की कॉस्ट में ऐड होते हैं. सो एंट्री आनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश. आपने लिख दिया इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश. राइट, चलो सही एंट्री करवाओ. मशीन अकाउंट डेबिटेड करते थे ना डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में ऐड, मशीन टू कैश, एंड द अमाउंट वॉज 1500. आपने गलती क्या करी? आपने मशीन को डेबिट नहीं किया, आपने इंस्टॉलेशन को डेबिट कर दिया और 1500 की जगह आपने एक जीरो कम लगा दी, आपने उसे 150 बना दिया. टू कैश ओके है भाई. कैश बुक में आपने आज भी 1500 ही लिखा है, वो तो करेक्ट, वो कैंसिल हो गया. अब क्या करेंगे? मशीन शुड ओरिजिनली भी डेबिट करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस. गलती से क्या हो गए हैं डेबिट, उन्हें कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो. तो देखो डिफरेंस कितना आता है. मशीनरी इज ओरिजिनली टू बी डेबिटेड, नहीं करी तो अब करो, और यू कैन राइट मशीनरी और मशीन कुछ भी. दिस इज 1500. इंस्टॉलेशन गलती से डेबिट हो गए हैं, उन्हें क्रेडिट करके सही करो, मतलब उसका इफेक्ट खत्म कर दो, रिवर्स कर दो. टू इंस्टॉलेशन चार्जेस, दैट इज 150. अगेन व्हाट यू फाइंड, दैट डेबिट पार्ट ऑफ माय जर्नल एंट्री इज ग्रेटर देन द क्रेडिट पार्ट, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1350. फॉर दैट आई विल बी ट्रांसफरिंग इट इन माय सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट. Who will tell me the narration? Or should I come to your screens? Narration कौन बोलेगा इसका? देखें, participants देखें पहले. चलो अमित कालड़ा बोलो जी आप narration. अमित कालड़ा unmute करो. No answer. अनन्या आप करो unmute. अनन्या आर यू देयर? अनन्या ऑल आर स्लीपिंग. दीपक आप बोलो. दीपक यू टेल द नरेशन.
करो अनम्यूट दीपक, टेल द नरेशन। कहाँ है सारे? चलो हिमांशु रेज हिज हैंड। हिमांशु बोलो, आप बोलो। मैम इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन द मशीन वर रॉन्गली डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट बट नाउ रेक्टिफाइड। दिस आई वाज वेटिंग फॉर कि आप रॉन्ग अमाउंट बोलोगे कि नहीं। यस द वे आई टोल्ड यू सेम यू फॉलोड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। वेरी गुड। Mute yourself now. चलिए जी, come to next. Yes, when proprietor pays rent of his own residence from the business money, we treat it as drawing. हम उसे क्या मानते हैं? Drawing मानते हैं। Proprietor ने अपने घर का rent business के पैसे से pay किया, तो it should be drawings. Drawings account debited होना चाहिए। पढ़ो जरा यही लिखा है। Rent paid for the residence of the proprietor, rupees 1600, was debited to rent account with 6100. ठीक है, amount भी गलत, account भी गलत, to cash. The amount was 1600. आपने drawings नहीं debit करी, आपने क्या debit कर दिया? Rent debit कर दिया, और वो भी 6100. To cash ठीक हुआ, cash book में आपने 1600 ही डाला. क्या करें भाई? Drawings should originally be debited करेंगे. Drawings debit होनी चाहिए थी, करेंगे. With 1600, that was the original amount. आपने उसकी जगह रेंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो. टू रेंट 6100, देखो नीचे से दिख रहा है ये 6100, आपने रेंट को क्या कर दिया? क्रेडिट. नाउ व्हाट वी सी, क्रेडिट पार्ट ऑफ माय जर्नल एंट्रीज ग्रेटर देन द डेबिट पार्ट, सो व्हाट इज द डिफरेंस? 4500 इज द डिफरेंस. फॉर दैट आई विल बी ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट. So, suspense account is to be debited with 4500. क्या लिखेंगे? Rent of proprietor's residence paid wrongly debited to rent account with wrong amount now rectified. Till now, any doubt to anyone you may ask. You may raise your hand, you can send your query in the chat box. I will be repeating the point. Any doubt to anyone you may ask. So today we learned about the opening of suspense account, whereby the amount was wrong as well as name of the account was wrongly debited or credited. चलिए जी चलते हैं आगे. हाँ, ये मैं ऐसे ही समझाती हूँ. सेल्स बुक का टोटल था, मतलब 2 सेल्स आना चाहिए था ना, कितना? 4000. और उसके लिए डेटर्स क्या होना चाहिए था? क्योंकि बुक की बात है, डेटर्स टू सेल होना चाहिए था. ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया. अब आगे जाके वो अकाउंट की बात कर रहा है, इट मींस कि वहां पे क्रेडिटर नहीं होंगे. तो मैं यही आपको समझा रही थी कि जब कभी भी अकाउंट की बात है तो आई विल नॉट बी टेकिंग द पर्सनल अकाउंट. मेरे को लिखना था सेल, क्रेडिट करना था, मैंने परचेजेस गलती से उसकी जगह डेबिट कर दी, बट अमाउंट इज सेम. आई थिंक अमाउंट सेम, राइट? अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सेल शुड बी क्रेडिटेड करेंगे. मैं रेक्टिफाइड इस तरफ लिख रही हूं, अब नीचे परचेजेस गलती से डेबिट हो गया है, उसे भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि अकाउंट की बात है. उसने बोला परचेजेस अकाउंट में डाल दिया, बुक में नहीं. अगर बुक में होता तो मैं क्रेडिटर और डेटर अकाउंट ओपन करती. सेल्स का टोटल है, सेल्स बुक में नहीं लेके गया. कहां पे लिख दिया? मतलब सेल्स अकाउंट में नहीं लेके गया, परचेज अकाउंट में ले गया. आपको सिखाया हुआ ना सब्सिडियरी बुक्स में, जब नीचे ग्रैंड टोटल आता है तो वो उसके लेजर अकाउंट में जाता. ठीक है, तो ये यही हुआ कि ग्रैंड टोटल सेल्स बुक का आया, उठा के सेल्स अकाउंट में लिखना था, हमने कौन सी अकाउंट में लिख दिया? परचेसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया. सो दिस इज द मैटर इन दिस केस. सेल्स आर ओरिजिनली टू बी क्रेडिटेड, आई एम क्रेडिटिंग इट. परचेसेस आर रॉन्गली बीइंग डेबिटेड, इन ऑर्डर टू कैंसिल इट आई एम क्रेडिटिंग इट. Now I am doubtful. What is to be debited in the entry? क्योंकि दोनों account तो क्या हुए हैं? Credit. So what is to be debited in the entry? That is suspense.
विद रुपीज 8,000. सो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 8,000, टू सेल्स अकाउंट, टू परचेसेस अकाउंट 4,000 ईच. चले आगे, ये अभी करवाया शेयर्स वाला. चलो इसका राइट और रॉन्ग लिख लीजिए, 5 मिनट है. दिस इज राइट रॉन्ग एंड हियर वी गो विद रेक्टिफाइड. चलिए जी देखें, शेयर्स बेचे, एंट्री आनी चाहिए थी क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, वहां पे था शेयर्स खरीदे, यहाँ पे शेयर्स क्या है बेचे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था 4,500. आपने क्या कर दिया, आपने सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट नहीं किया, आपने सेल को क्रेडिट कर दिया. और अमाउंट भी गलत, पहले दो डिजिट इंटरचेंज कर दिए. 54 लिख दिया 45 की जगह, आपने लिख दिया टू सेल्स बैंक. ओके, बैंक में 4,500 ही लिखा है. सो सेल गलती से क्रेडिट हो गई है, इसे सही करने के लिए क्या करेंगे, व्हाट टू डू, इसे डेबिट करिए विद रुपीज 5,400. इन्वेस्टमेंट इज टू बी ओरिजिनली क्रेडिटेड, उसे क्रेडिट ही करिए विद रुपीज 4,500. व्हाट वी सी, योर डेबिट पार्ट ऑफ द एंट्री इज ग्रेटर देन द क्रेडिट पार्ट ऑफ द एंट्री, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 900. फॉर दैट आई विल गो विद सस्पेंस, टू सस्पेंस विद 900. सो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिटेड विद 5,400 टू इन्वेस्टमेंट विद रुपीज 4,500 टू सस्पेंस अकाउंट विद 900. चले आगे, कम टू नेक्स्ट. कैश पेड टू मनोज, मनोज की जगह सरोज का नाम लिख दिया. एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू मनोज, नो, मनोज टू कैश. पे किया ना मनोज को, करेक्ट एंट्री इज मनोज टू कैश एंड अमाउंट इज 5,700. आपने क्या कर दिया, पोस्टेड टू सरोज, आपने सरोज को क्या कर दिया डेबिट, वो भी 7,500 से. टू कैश इज ओके, वो 5,700 ही है. क्या करें जी, मनोज इज टू बी कैश पेड टू मनोज, पोस्टेड टू सरोज. हाँ ठीक है, नाम भी गलत है, अमाउंट भी गलत है. डन, सरोज दिस इज ओ. सो मनोज इज टू बी डेबिटेड करेंगे 5,700. सरोज गलती से डेबिट हो गया है, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो 7,500. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,800. फॉर दैट आई गो विद सस्पेंस. क्लास टुमारो, राइट? सो सी यू टुमारो.